हेलो फ्रेंड्स और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल डिजाइन। गाइस इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपको मॉडिफाई टूल बार के बारे में, जिससे पहले हमने आपको 1 से 10 ट्यूटोरियल तक कवर कर चुके हैं आपका ये ड्रा टूल बार पूरा स्टार्टिंग टू एंड। ठीक है गाइस, तो इसमें आज हम बात करने वाले हैं रेज कमांड के बारे में, कॉपी कमांड के बारे में एंड मिरर कमांड के बारे में डिटेल में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इससे पहले कि आपने 1 से 10 तक ट्यूटोरियल नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप देख सकते हैं गाइस। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सब फर्स्ट ऑफ ऑल आप जाएंगे इसमें, ये आपका जो है मॉडिफाइड टूल बार है, ये आपके ड्रा टूल बार है। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट इरेज का देख रहे हो, इरेज शो कर रहा है। इरेज इरेज का बेसिकली यूज होता है कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट होता है उसको डिलीट करने के लिए, और इसके अलावा आप एक पार्टिकुलर किसी भी ऑब्जेक्ट को डिलीट करना चाहें तो ऐसे सिलेक्ट करके सिंपली इरेज पे क्लिक कर देंगे तो भी डिलीट हो जाएगा। और अगर आप इरेज पे क्लिक करके सिंपली उसको सिलेक्ट करके देन एंटर कर देंगे तब भी वो डिलीट हो जाएगा गाइस। देन आप इसका जो शॉर्टकट की है ई है, ई जैसे ही आप टाइप करेंगे इसमें आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा इरेज का, तो ई एंटर करते ई एंटर सिलेक्ट ऑब्जेक्ट मांगेगा, जो भी ऑब्जेक्ट आपको डिलीट करना है सिलेक्ट करना है देन एंटर। तो ये सिंपल तरीके हैं। नेक्स्ट है आपका मॉडिफाई में जाएंगे, यहाँ पे आपको इरेज का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ से क्लिक करके कोई भी ऑब्जेक्ट आपको डिलीट करना है वो सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं, कट कर सकते हैं जी हाँ गाइस। और डिलीट डायरेक्टली करना है तो आपको सिंपल ये क्लिक करके आपके यहाँ से सिलेक्ट करके और आपके कीबोर्ड में जो डिलीट वाला बटन होता है वो दबा देंगे तो यहाँ से सिंपली डिलीट इरेज हो जाएगा जी हाँ गाइस। नेक्स्ट है आपका कॉपी, तो ये किस लिए यूज होता है गाइस? इसका जैसे आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट एक है, अगर उसका सेम वैसा ही दूसरा बनाना है तो उससे मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनाने हैं तो आपको क्रिएट नहीं करने पड़ते हैं, इससे सिंपली कॉपी पेस्ट कर सकते हैं जी हाँ। तो इसके लिए डायरेक्टली आप यहां से कमांड ले सकते हैं ये वाला, देन सिलेक्ट ऑब्जेक्ट देन एंटर। अब आपको ये पूछेगा कि आप किस जगह से डिस्प्लेसमेंट करेंगे, उसका बेस पॉइंट आपका स्पेसिफिक बेस पॉइंट ये रह जाएगा, इससे आप किसी भी कहीं पे भी इसको पेस्ट कर सकते हैं, क्लिक करते जाइए वहां पे आपका होता जाएगा पॉइंट आउट। इससे स्केप करने के लिए स्केप कर सकते हैं देन एंटर भी कर सकते हैं ओके। नेक्स्ट है आपका यहाँ से इसको शॉर्टकट की में बताएं तो सी ओ एंटर करेंगे, सॉरी सी ओ सी ओ कॉपी के लिए गए सी ओ एंटर देन सिलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर देन जिस भी पॉइंट से आपको लेना है वहां से ले सकते हैं, तो उसी पॉइंट से आप कहीं भी इस चीज को पेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आप यहाँ से मॉडिफाई में जाके यहाँ से कॉपी वाला सिंपली ऑप्शन ले लेंगे और यहाँ से अपने ऑब्जेक्ट को कॉपी कर सकते हैं, कहीं से भी अगर इस पॉइंट से लें तो गाइस यही पॉइंट जाएगा, कहीं भी आप रख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका मिरर कमांड। मिरर कमांड का मतलब होता है गाइस जैसे आप अपनी शक्ल आईने में देखते हो सामने से, सेम ये उसी का उल्टा बनाता है, यानी आप इस वाले ऑब्जेक्ट को ले लें इतना पूरा है को, हम पहले इसको इरेज कर दे रहे हैं, यहाँ से सिंपली ले जाके इरेज कर दिया, इसको इरेज कर दिया, ये वाला है ये वाला सिलेक्ट करके इरेज कर दिया या डायरेक्ट डिलीट कर दिया। अब गाइस आप देख सकते हैं ये जो चीज है ये सेम इधर भी बनेगा, कैसे बनेगा? मिरर के लिए यहां से डायरेक्ट आप कमांड लिख सकते हैं देन सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, कितना ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया वो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया देन एंटर करनी है गाइस। अब आपका ये पूछ रहा है कि भाई स्पेसिफिक फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन,
कि आपका जो स्पेसिफिक फर्स्ट पॉइंट है उसकी मिरर लाइन कहाँ पे रहेगी। तो हम सपोज दैट कि यहाँ पे एक लाइन एक एक पॉइंट मान लेते, देन सेकेंड पॉइंट। अब हमें इसके लिए अगर ये इधर उधर थोड़ा भी तिरछा मेढ़ा नहीं हो तो उसके लिए अर्थो मोड ऑन कर लेनी है, देन सेकेंड पॉइंट इसका क्लिक कर देना है, देन एंटर कर देनी है। बस आपका एज टैस सेम मिरर यहाँ पे होके आ जाएगा, आप देख सकते हैं इसका इसका। और अगर हमें यही चीज कॉपी करनी है, इसमें डिफरेंस समझ लो कॉपी और मिरर में, यही चीज कॉपी करनी है तो कॉपी में क्या होता है, सेम यही चीज उठा के इधर रख दो। तो कॉपी में क्या है, सेम वही चीज रहेगी लेकिन मिरर में ये इसका वो सेम मिरर उल्टा हो जाता है, आईने की तरह सेम दिखता है गाइस। नेक्स्ट है इसका जो मिरर का शॉर्टकट की है एम आई, एंटर होता है, एम आई डाला मिरर आ गया, एंटर करेंगे तो ये सिलेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब इसको दूसरी डायरेक्शन में हम मिरर करके शो करते हैं, तो यहाँ से इसको एंटर किया, यहाँ पे हो गया, देन एंटर। नेक्स्ट पॉइंट आप यहाँ से ले सकते हैं, फर्स्ट नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से इसको मिरर करके शो कर सकते हैं। इसको किसी को भी अगर आप एक बार में ये मल्टीपल पॉइंट मिरर करना चाहते हो तो इसको ऑल को सिलेक्ट कर लो, जैसे एम आई एंटर किया, देन ऑल सिलेक्ट एंटर, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट एंटर, आपका जैसा भी है इसका जस्ट अपोजिट मिरर हो जाता है गाइस। तो ये मिरर कमांड ज्यादातर प्लानिंग्स में जो टावर्स के डिजाइन होता है, मल्टीपल फ्लैट्स डिजाइन होते हैं, उनमें इस कमांड का ज्यादा यूज हो जाता है, क्योंकि वो सेम एज एक या दो फ्लैट डिजाइन करें फिर उसके बाद मिरर कमांड ही यूज में लेके उसको मिरर कर दिया जाता है गाइस। नेक्स्ट है आपको मॉडिफाई में जाकर भी ये मिरर कमांड मिल जाती है, यहाँ से भी इस मिरर कमांड को यूज में ले सकते हैं। सो गाइस आज इतना ही। नेक्स्ट जो आपकी है ऑफसेट एंड एरे कमांड जो है, रेक्टेंगल एरे वगैरह, ये सब आपको एपिसोड या ट्यूटोरियल नंबर 12 में सीखने को मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, इससे चैनल से कोई भी जानकारी मिलती हो तो चैनल वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।